आप देश का सम्मान बेच रहे हो, देश का। ठीक ठीक करके टका टका नाटक मत क्या करो, ये जो नाटक करते हो ना संगे, ये क्या हो रहा है? हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, ये जो बगुला भगत बनते हो ना, देश देखता आपको बगुला भगत बनो का नहीं है, नहीं है मूर्तिकार के हमारे देश के अंदर। क्या क्या बोल रहे हैं ये, क्या क्या बोल रहे हैं? खत्म हो गए अमित भाई, आपसे डिबेट कंट्रोल नहीं होता, आप लोग डिबेट करिए। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू। एक सेकंड सबमिट होल्ड, सबमिट रुकिए, सबमिट रुकिए, इसका ट्वीट करो, उसका ट्वीट करो, ये करो, उसका ट्वीट करो। कभी आपने कहा 20 शहीदों के परिवार के बारे में ट्वीट करो? ये बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है देश, आपकी ठीक हो साइकिल के ऊपर, ठीक है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने संबित पात्रा और गोदी मीडिया के जाने माने चेहरे अमिश देवकन को धूल चटा दी। जिस तरह से भदौरिया ने डॉक्टर पात्रा की क्लास लगाई, हम वादा करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर देश में चल क्या रहा है। मीडिया में राजनीतिक चर्चा नहीं होती, सिर्फ कॉमेडी होती है। जिस तरह से डॉक्टर पात्रा कॉमेडी करते हैं, बिल्कुल उसी ढंग से भदौरिया ने संबित पात्रा की नकल कर दिखाई। और साथ ही इस वीडियो में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि कैसे अमिश देवगन के इस कार्यक्रम में संबित पात्रा अंजना ओम कश्यप का नाम लेते नजर आए। जो साबित करते हैं कि बीजेपी और संबित पात्रा के साथ अंजना ओम कश्यप का एक अलग ही कनेक्शन है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, साथ ही देश नीति को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। दरअसल ये डिबेट न्यूज 18 के शो आर पार का है, जिसे होस्ट अमिश देवगन करते हैं। इस शो में शामिल थे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। राहुल जयचंद, आज से राहुल गांधी का मैं बोल राहुल जयचंद है, हिंदी चीनी बिल्कुल राहुल जयचंद है, राहुल जयचंद, राहुल जयचंद, राहुल जयचंद, राहुल जयचंद। तब अनुराग भदौरिया ने डॉक्टर पात्रा की ही भाषा में संबित पात्रा का जमकर मजाक उड़ाया और साथ ही संबित पात्रा को बगला भगत तक कह दिया और संबित पात्रा की बोलती पूरी तरह से बंद कर दी। आप भी जरा देखिए ये वीडियो। दोनों की बातों में आपने देखा, संबित पात्रा जी, मैं आपको एक याद दिला दूं कि 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूं, उनके परिवार को भी नमन करता हूं। आप भी शब्द नहीं निकलता है कभी, आप आते ही अटैक करना शुरू करते हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। 20 शहीदों का आपने एक बार भी नाम लिया? इतनी देर से आप इतनी देर से बहस कर रहे हैं, 20 शहीदों के जो परिवार हुए हैं आपने एक बार भी नाम लिया? एक बार भी नाम लिया? इसका ट्वीट करो, उसका ट्वीट करो, ये करो, उसका ट्वीट करो। कभी आपने कहा 20 शहीदों के परिवार के बारे में ट्वीट करो? परिवार उनका बर्बाद हुआ, उनके बारे में ट्वीट करो, उनके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बात करो। इसके बारे में ट्वीट करने के लिए बात नहीं करते हो, क्योंकि राजनीति करने के लिए यहाँ पे मंच पे बैठे हो आप, राजनीति करने के लिए। इधर गौरव वाला भाई पंत इधर जो अपने गोला भाई बैठे हुए, किसी को जयचंद किसी को बाहर निकालो, वो बाहर निकालने की बात करते हैं, जयचंद की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात कौन कर रहा है भाई? हिंदुस्तान के फौज की बात कौन कर रहा है? हिंदुस्तान के आवाम की बात कहाँ हो रही है? हिंदुस्तान का जो समाज है उसकी बात कहाँ हो रही है? हिंदुस्तान में जो अंदर आक्रोश है उसकी बात कहाँ हो रही है? आप दोनों लोग एक दूसरे का इतिहास खोदने में लगे हो, एक दूसरे का इतिहास खोजते खोजते आप देश का सम्मान बेच रहे हो, देश का, क्योंकि फौजियों के बारे में बात नहीं करते, आप एक दूसरे के इतिहास खोज रहे हो। हम हमारे ये बोल रहे हैं, उनके माधव जी गए थे, वो अपना डेलीगेशन लेके गए थे, उन्होंने बात की, वो डोभाल के बेटे गए थे, उधर वो कह रहे हैं कि सोनिया जी गए थी, उनके बेटे गए थे, फलाने ने ये किया। अरे भैया, मेरे 20 जवान शहीद हुए हैं, बताइए जरा कहाँ शहीद हुए? आप भी तो मूर्ति लेके आए वहां से सरदार पटेल की, क्या यहाँ पे आपने मूर्तिकारों की बेइज्जती नहीं की? क्या 1500 करोड़ देके नहीं है आप सरदार पटेल की मूर्ति लेके? चाइना से बनाने की क्या जरूरत थी? क्या यहाँ मूर्तिकार नहीं है? नहीं है मूर्तिकार के हमारे देश के अंदर? क्या क्या बोल रहे हैं ये, क्या क्या खत्म हो गए सब, पता ही नहीं। आप डिबेट क्या हो रहा है, ये मूर्ति पे चले गए, 5 बार गए हो, झूला झुलाया है तो आपने उनको काम दे दिया 1500 करोड़ का, ले जाओ आप चाइना वालों को। ये कह रहे हैं कि हमने, ये कह रहे हैं 90 लाख रुपए मिला,
इसके मतलब आप दोनों लोग मिले हुए हो, ये बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है देश आप ठीक हो साइकिल के ऊपर, ठीक है, आरोप लगा के टाइम खत्म कर देते हो, लेकिन फौज की बात नहीं करोगे, देश के सम्मान की बात नहीं करोगे, सम्मान जा रहा है ठीक ठीक करके टकाटक नाटक मत क्या करो, ये जो नाटक करते हो ना, ये क्या हो रहा है, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, ये जो बगुला भगत बनते हो ना, देश देखता आपको बगुला भगत करो, साफ बात करो, क्या शहीद हुए हैं भैया, देश के लिए शहीद हुए उनकी बात करो, बगुला भगत तो आप ही बने हुए हैं, तो आप देश को बोलो पिता कहीं सम्मान चाइना में हुए हैं, आप बताइए पहले नहीं पहले बाबला बाबा की तरह जी को बोलना, पहले शहीदों की बात नहीं कर रहे हो, फौजियों की बात नहीं कर रहे हो, घर में घुसा ले उसी के बाद में वो हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान करेगा, जिसने पिता को ही घर से बाहर निकाला है वो चला है राहुल जी महान, सम्मान की बात करने के लिए छोड़ दीजिए, राष्ट्र कहाँ चला गया भैया, राष्ट्र कहाँ है। और अमिश देवगन के सामने ही संबित पात्रा का जिस तरह से मजाक उड़ाया गया, एंकर बस देखते रह गए, तो वही संबित पात्रा ने अमिश देवगन को भी खड़ी खोटी सुना दी, जिसके बाद अमिश देवगन बस संबित संबित करते रह गए। आप लोग डिबेट करिए, थैंक यू अमिश भाई, थैंक यू, एक सेकंड संबित, संबित हो लो, संबित रुकिए, संबित रुकिए, संबित नहीं अमिश भाई, अमिश भाई आपसे डिबेट कंट्रोल नहीं होता, एक सेकंड संबित, 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 देखिए देखिए सुनिए अमिश भाई, आपसे डिबेट मत करिए, एक सेकंड संबित, 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 संबित क्यों, संबित एक सेकंड, संबित, संबित, आप देश का सम्मान बेच रहे हो, देश का ठीक ठीक करके टकाटक नाटक मत क्या करो, ये जो नाटक करते हो ना, समय क्या हो रहा है, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, ये जो बगुला भगत बनते हो ना, देश देखता है आपको, बगुला भगत बनो का नहीं है, नहीं है मूर्तिकार के हमारे देश के अंदर, क्या क्या बोल रहे हैं ये, क्या क्या बोल रहे हैं, खत्म हो गए अमित भाई, आपसे डिबेट कंट्रोल नहीं होता, आप लोग डिबेट करिए, थैंक यू अमित भाई, थैंक यू, एक सेकंड संबित, संबित हो लो, संबित रुकिए, संबित रुकिए, इसका ट्वीट करो, उसका ट्वीट करो, ये करो, उसका ट्वीट करो, कभी आपने कहा 20 शहीदों के परिवार के बारे में ट्वीट करो, ये बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है देश, आप ही ठीक हो साइकिल के ऊपर, ठीक है, देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देशनीति को, और खास नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।